अपनी आवाज़ पर किस प्रकार का गाना सूट होता है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन एक डाउट है लोगों का कि वो इतने सारे गाने गाते हैं लेकिन कौन सा गाना उनकी आवाज़ पे जमेगा। क्या वो रफ़ी जी का है, क्या वो सोनू निगम का है, क्या मैं के गाने ज़्यादा अच्छे गाता हूँ या अरिजीत सिंह के। ये डाउट जो है सभी के मन में रहता है कि किस प्रकार का गाना उनकी आवाज़ पर जंचता है, जमता है। तो आज ये पूरा वीडियो देखेंगे। तो एक्चुअली में आपको इस सवाल का ही सही जवाब नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, बल्कि ये सवाल भी आपका सुधरेगा। ये सवाल भी एक तरह से कहीं ना कहीं गलत है आपका, तो वो कैसे है वो भी आपको मालूम चलेगा। पूरा वीडियो देखिए और जानिए इस बारे में। पंडित अवध किशोर पांडे, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ SPW, उनके द्वारा लिया गया एक नया इनिशिएटिव संगीत धारा SPW ऐप। अभी उठाइए मोबाइल और डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप तीनों में अवेलेबल है। वर्सेटैलिटी, ओरिजिनैलिटी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ये सवाल जो आप लोग अक्सर किया करते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक अपनी एनालॉजी देता हूँ, अपनी एक थ्योरी देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आपको सही जवाब तभी जाके मिलता है जब आपका सवाल सही होता है। अनलेस कि आपने वो क्वेश्चन सही किया है, आपको जवाब सही नहीं मिलेगा। तो यही दिक्कत हमारे साथ भी है, हम हमारी प्रॉब्लम्स को ही नहीं समझते हैं तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। हमारी प्रॉब्लम ही गलत समझते हैं कि हमको लगता है यार ये वाला गाना हमारी आवाज़ पे नहीं जम रहा, ये वाला नहीं जम रहा, या इस सिंगर का नहीं जम रहा, या फलां सिंगर का नहीं जम रहा। तो किसी भी सिंगर का गाना आपकी आवाज़ पे जमना, या उस सिंगर जैसी आपकी आवाज़ हो जाना, या वो सिंगिंग स्टाइल आपकी कॉपी कर लेना, ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। ये कोई भी, यू नो, दिस इज़ नॉट अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ। ऐसा नहीं है कि आपको फख्र करना चाहिए कि अरे वाह मैं तो सोनू निगम जैसा गाने लग गया हूँ, मैं तो अरिजीत सिंह जैसा गाने लग गया हूँ, मैं तो रफ़ी साहब के गाने तो इतने बढ़िया गाता हूँ, रफ़ी साहब के जैसे गाता हूँ एकदम। तो ये गर्व करने की बात नहीं है, ये गलत बात है। ये आपको इस चीज़ का दुख होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उनको इमिटेट कर रहे हैं, आप उन्हें कॉपी कर रहे हैं, आप ओरिजिनल नहीं हैं, आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है। ये वही बात हो गई कि आप कहें कि यार मेरी आवाज़ तो एकदम अमिताभ बच्चन जैसी है। तो फिर अमिताभ बच्चन जब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फिल्में, उनकी आवाज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आपको क्यों तवज्जो मिलेगी, आपको कोई क्यों पूछेगा। हाँ, आपको चंद लोग पूछ सकते हैं जो इस चीज़ से खुश हो जाते हैं कि अरे वाह यार ये तो सेम साउंड कर रहा है ना, ये सेम टू सेम वैसा है, लेकिन वो कॉपी ही रहेगी। आप कितना ही कह लें कि जैसे हमारा शहर है उदयपुर, उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो वेनिस ऑफ द ईस्ट का क्या मतलब हुआ, यानी वेनिस तो ओरिजिनल ही है ना, वेनिस को ही लोग पूछेंगे। जो लोग वहाँ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमारे यहाँ आ जाते हैं, हमें यहाँ देख लेते हैं कि अरे वाह यहाँ भी वहीं झीलें हैं, है ना। तो ये चीज़ है, जो ओरिजिनल को अफोर्ड नहीं कर सकता वही डुप्लीकेट लेता है, वही कॉपी लेता है। आप देख रहे हैं कि यार इस फ़ोन का लुक तो एकदम आईफोन जैसा है, तो चलो यही ले लें, ऐसा हमको आभास हो जाए कि हमारे पास आईफोन है, क्योंकि हम अफोर्ड तो कर नहीं सकते। लेकिन ओरिजिनल की तब भी वैल्यू ज़्यादा ही रहती है। तो यही चीज़ है, रफ़ी साहब के गाने आप कितने ही अच्छे गा लें, आपको एक 40 लोगों के बीच में वो लोग प्रशंसा कर देंगे, अरे यार उस फलां व्यक्ति को बुलाओ, वो रफ़ी साहब के गाने बहुत बढ़िया करता है, रफ़ी नाइट आपके नाम से रखवा दी और आप गाने वहाँ गा रहे हैं, लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा। एक्चुअल जो काम है, आप यादगार जो है कभी नहीं बन पाएंगे। जो ऐसा काम जो वैल्यूएबल हो, ऐसा काम जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसा काम जो संगीत में कुछ परिवर्तन लाए, या आपका नाम दाखिल हो जाए कि हाँ यार ये एक सिंगर है, वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, आप कॉपी हैं किसी न किसी की। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी और का गाना गाना और वो जच जाना आपकी आवाज़ पर, ये कहीं ना कहीं एक नुकसान ही है। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले ही एक सज्जन ने मुझसे ये सवाल किया था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तभी मैंने इसमें एक एनालॉजी, एक और एग्जाम्पल दिया था कि हम कपड़े खरीदते हैं, हमारा कोई दोस्त है, हमारा भाई है, बहन है, या जो भी है, हमें अगर उसका कोई कपड़ा पसंद है कि यार ये मुझे यार शर्ट अच्छी लगती है यार, तू मेरे को दे, मैं पहनता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मेरे पे जमेगी कि नहीं जमेगी, बहुत कम चांसेस हैं कि वो आप पे जंचती है। क्यों? क्योंकि उसने वो शर्ट या वो कपड़ा अपने शरीर अनुसार, अपने टेस्ट अनुसार, अपने रंग रूप आकार अनुसार वो ख़रीदा था, तो और वो कॉम्बिनेशन अनुसार उसने ख़रीदा था, ठीक है। तो वो उसने पहना तो वो उस पर जंच रहा था, तो आप अगर पहनते तो बहुत कम चांसेस है कि वो आप पर भी जंचेगा, है ना। या कई बार होता है कि हाँ जंच जाता है। तो अगर आपको अपने पर कुछ जंचाना है तो आपको अपना टेस्ट, अपने रूप, अपने रंग, अपने आकार, अपनी स्टाइल अनुसार ही कुछ कपड़ा लेना होता है ना। भाई मुझ पर वो चीज़ नहीं जमती है, क्यों? क्योंकि मैं उसके फिट नहीं बैठता हूँ उस चीज़ के लिए, या उस चीज़ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मुझ में नहीं है, है ना। यही चीज़ होती है। मेहदी साहब की अगर कोई गज़ल है और वो मेहदी साहब ने गाई है, तो जाहिर है उनसे बेहतर उसे कोई और नहीं गा सकता, वो मेहदी साहब ने बेहतर ही गाई है, क्योंकि वो बनाई ही उन्होंने अपने अनुसार थी, है ना। वो उसके रचयिता वो खुद हैं, उसकी
कॉम्पोजिशन उसकी गायकी, वो उनसे बेहतर कोई और कैसे करेगा, क्योंकि उसकी वो उन्होंने करी अपने अनुसार है। जैसे मेरे दादा गुरु हैं, उन्होंने कुछ ख्यालों की रचना करी है, कुछ बंदिशें बनाई हैं, वो बंदिशें उन्होंने अपनी गायकी अनुसार बनाई है जैसा वो गाते हैं, तो उनको उनकी बंदिशें उनसे बेहतर कोई और गा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो टच वो टेस्ट वो कोई और दे ही नहीं पाता है। तो यही चीज़ होती है। अब अगर कहते हैं कि यार फिर भी मालूम कैसे चलेगा कि किस प्रकार का गाना, अगर आपका सवाल ये है कि किस प्रकार का मेरे गाना सूट कर रहा है, तो फिर भी आपका सवाल सही है, लेकिन किस व्यक्ति का गाना मुझ पे सूट कर रहा है तो गलत है। अब किस प्रकार का है वो कैसे मालूम चलेगा, जाहिर है हिट एंड ट्राई। आप एक्सप्लोर कीजिए कि क्या चीज़ आप में जंचती है, आप गा के देखिए। जाहिर है आपको ऐसे ही नहीं मालूम चल जाएगा यार मेरे पे गज़लें अच्छी लग रही है या भजन अच्छे लग रहे हैं बिना उनको गाए, उनको गाना पड़ेगा और ऑडियंस रिव्यू लेने पड़ेंगे। कई लोग होते हैं जो पूछते हैं यार हम यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन हम किस प्रकार का गाना गाएं, हिंदी गाएं कि इंग्लिश गाएं, गज़ल गाएं कि भजन गाएं, बॉलीवुड गाएं कि हॉलीवुड गाएं, किस प्रकार का गाएं जो लोगों को पसंद आएगा। आप गा के देखिए, जो आपको जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उसको कंटिन्यू कीजिए। जाहिर है भाई मैं क्लासिकल भी गाता हूँ, मैं गज़लें भी गाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, मैं गीत भी गाता हूँ, लोगों को क्या पसंद आ रहा है और मेरी प्राथमिकता क्या है, दोनों का एक बैलेंस होता है। मेरी प्रेफरेंस है कि भाई मैं क्लासिकल गाऊँ गज़लें गाऊँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पसंद है कि नहीं आप तो ऐसा कीजिए भजन गाइए, आप पे भजन बहुत अच्छे लगते हैं। तो वर्सेटैलिटी इसी को कहते हैं कि जब जहां जो जैसा गव जाए और सामने वाले को जो चाहिए हो वो गा दिया उसी समय। भाई महफिल है, गज़लों की महफिल है, गज़ल सुना दी, भजनों की है, भजन सुना दी, क्लासिकल चल रहा है, क्लासिकल सुना दिया, और उतनी ही निपुणता से। वो कब हो पाएगा, वो वर्सेटैलिटी कब आ पाएगी, जब यू कैन पुल एवरीथिंग ऑफ। जैसे कहते हैं ना यार यू कांट पुल दिस ऑफ, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं पहन पाओगे, ये तुम पे जंचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं, आप ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं भी फिट हो जाएं और आप पर कुछ भी जंच जाए वो जंचाने वाला आप होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पे वेस्टर्न अटायर जमेगा नहीं, आप अपनी स्टाइलिंग वैसे कीजिए कि आप वेस्टर्न को भी खिला सकें और यही आप जब इंडियन पहने तब भी, अरे हाँ क्या बात है। ऐसा नहीं कि यार तुम तो सिर्फ इंडियन कपड़ों में ही अच्छे लगते हो, तुम वेस्टर्न पहन लेते हो तो मज़ा नहीं आता, ऐसा नहीं। आपको अपनी स्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपकी वो पकड़ वैसी होनी चाहिए कि हर चीज़ में फिट हो जाए, उसी को वर्सेटैलिटी कहते हैं। तभी आप हर जगह काम के होंगे, वरना आपका एक दायरा निश्चित हो जाएगा। लेकिन आपको वो दरिया बनना है जिसका कोई दायरा नहीं हो, वो रिवर बनना है जिसका कोई एंड नहीं है, वो अथाह है, वो बहती है, वो कहीं भी जा सकती है, है ना। ऐसी कोई निश्चित उसका पाथ नहीं है कि बस यहीं जा सकती है, है ना, या गायकी ऐसी है, तो ये नहीं होना चाहिए। हिट एंड ट्राई कीजिए, गज़लें गा के देखिए, बारीकियाँ जिन जिन चीज़ों की बारीकियाँ आप समझते हैं वो चीज़ें आप अच्छे से गाते हैं। बहुत छोटी सी, बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इसका। अगर क्लासिकल की मैं बारीकियाँ अच्छे से समझता हूँ कि ख्याल कैसे गाया जाता है, आलाप तान कैसे ली जाती है, राग का विस्तार कैसे किया जा सकता है, तो मैं उसे बेहतर गा पाऊंगा। अगर मुझे मालूम है गज़ल की टैक्टिक्स क्या है, कि मुझे उसके शब्दों के मानी मालूम है, उसके लफ्ज़ों के हर एक अर्थ पता है मुझे कि क्या सोच के शायर ने लिखा है, या मुझे मैं उसे खिला सकता हूँ अच्छे से, तो मैं वो गा सकता हूँ। कई बार लोग कहते हैं यार तुम तो मेहदी साहब की गज़लें बड़ी अच्छी गाते हो, या तुम जगजीत की अच्छी गाते हो, या गुलाम अली की अच्छी गाते हो, चंदन दास की अच्छी गाते हो, तलत अजीज़ की अच्छी गाते हो, अलग अलग सिंगर्स का आपको टैग दे दिया और बोला कि नहीं आप तो मेहदी साहब की सुनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी एक सिंगर की गज़ल बहुत अच्छे से गाओ। हर एक चीज़ का अगर आप एनालिटिक जो है पूरा रखो अपने पास, एनालिटिक पूरा क्या बोल सकते हैं, संशोधन अगर आप करते हो कि यार इसमें ये चीज़ होती है, उसमें वो चीज़ होती है, तो कोई भी चीज़ आप बेहतर तरीके से गा पाओगे। अगर कलर कॉम्बिनेशन मालूम है, ड्रेस कॉम्बिनेशन मालूम है, तो कोई भी चीज़ जंचेगी कि नहीं आप पर, है ना। लेकिन वो आपकी स्टडी पर निर्भर करता है, वो आपके संशोधन एनालिसिस पर निर्भर करता है। मुझे मालूम ही नहीं है कि वेस्टर्न में किसके ऊपर क्या पहना जाता है, तो मैं उलझुलूली लगूंगा, ऊटपटांग ही लगूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि कुर्ता पाजामा पहनते तो उसमें ये होता है, यहां ऐसे पहनते हैं, यहां ये पांव में ये होता है, ऊपर ये होता है, सर पे ये होता है, या मेकअप एस्थेटिक्स कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे, लेकिन वेस्टर्न की मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो मुझ पे कैसे जंचेगा। कोई भी चीज जचाने के लिए वहां रुक कर उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करो, सीखो, जानो, और फिर जाहिर है कि एक्सपर्टीज तो आपकी किसी एक ही चीज में हो सकती है, वो तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हां कोई एक चीज हो सकती है जो आप ज्यादा अच्छे से करते होगे, है ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो तो है ही है। लेकिन हर चीज में तब भी अपना दखल थोड़ा सा रखो, क्योंकि मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंट का ज़माना है। आप किसी एक चीज़ को आप माहिर हो जाओगे और आप सोचो आपको काम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत पढ़े हैं, ढेरों सिंगर पढ़े हैं जो अच्छा गाते हैं, तो गला तो बहुतों का चलता है, दिमाग किसका चलता है, तो दिमाग चलाओ, दिमाग में चीज़ें डेवलप करो, ऐसा ऐसा कंटेंट बनाओ कि आप कहीं भी काम आ सको। क्लासिकल गाना, लाइट गाना, पेट्रियोटिक गाना है, या भक्ति गाना है, रोमांटिक गाना है, कैसा भी गाना है, आप वहाँ पर मौजूद हो और आप मोल्ड हो जाओ उसमें, इस प्रकार का मटेरियल आपको बनना है, तब जाके कोई भी गाना आप पे जंचेगा, कोई भी चीज़ आप पे जंचेगी, है ना। किसी और की चीज़ आप पे न जंचे तो खुद का बनाओ,
जाहिर है यही मैंने आखिर में उस सज्जन को भी जवाब दिया था जिसने मुझसे पूछा था कि ओरिजिनल क्रिएट करो, जब ओरिजिनल क्रिएट करोगे तो वो तो आप पे जचेगा ही जचेगा, क्योंकि आपने बनाई ही अपने अनुसार है वो चीज़ें। आप किसी और की चीज़ नहीं गा रहे हो, आप किसी और की सोच, किसी और की टेक्निक्स नहीं गा रहे हो, आप खुद की टेक्निक्स गा रहे हो, खुद की चीज़ें गा रहे हो, तो जाहिर है उसको आप अपने अनुसार गा पाओगे तो वो जचेगा ही, है ना। जिस चीज़ को आप डिटेलिंग से गा पाते हो वो आप पे जचता है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले यही चीज़ बोली थी। तो जिस पर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस किस पे होगा, जो आपका अपना होगा, तो जाहिर है तो वो अच्छे से ही गाओगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, छोटी सी चर्चा है ओरिजिनलिटी वर्सेटिलिटी के ऊपर। यही इस सवाल का जवाब है कि कौन सा गाना जंचता है या किस प्रकार की वॉइस हमारी है या जंचेगी, है ना। जाहिर है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि बेसी वॉइस है तो यार तेरे पे गज़लें अच्छी लगेंगी, या तुम्हारी बहुत ही सिंपल वॉइस है तो तुम मुकेश के किशोर कुमार के गाने बड़े अच्छे गाओगे, तुम्हारी आवाज़ में रेंज अच्छी है, तुम रफ़ी के गाने अच्छे गा सकते हो, है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें तो होती ही हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी पर्सनल स्किल या आपके पैरामीटर्स तय करते हैं कि आप कहाँ फिट ज़्यादा बैठोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी चीज़ आप पर फिट ना बैठे। वो तब हो सकता है कि वो दूसरी भी ना बैठे जब आपने हर चीज़ हर तरह से रियाज किया। वर्सेटैलिटी है आप में, एक सोच है, समझ है कि मैं हाँ ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे से मैं ये कर सकता हूँ लेकिन वो भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि उसमें मेरी कमी है, ठीक है। तो वो एक्सप्लोर कीजिए, हिट एंड ट्राई कीजिए, अपने आप मालूम चल जाएगा। गा के देखिए, रिव्यूज़ लीजिए लोगों के, खुद के रिव्यूज़ लीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, संगीत धारा ऐप को डाउनलोड करें, लाइव क्लासेस वहाँ पे हो रही है वीडियो कॉल पर, है ना। तो आपको बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज वहाँ मिल रहे हैं, अलग अलग बैचेज हैं वहाँ पर, वो सब अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।